हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट वर्ड आपको देने जा रहा हूँ, जो आजकल सोशल मीडिया में, न्यूज वगैरह में काफी स्पोकन में आ रहा है। वर्ड आपने थंबनेल में देखा होगा, वर्ड है गैसलाइटिंग। तो गैसलाइटिंग वर्ड ही आजकल इतना ज्यादा फेमस क्यों हो गया है, तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अभी हाल ही में पिछले साल 2022 में अमेरिका की एक डिक्शनरी है मैरियम वेबस्टर्स, तो मैरियम वेबस्टर ने इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा है पिछले साल 2022 में, जिसकी वजह से ये वर्ड बहुत ज्यादा स्पोकन में, प्रचलन में आ गया है और काफी जगह पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। और अभी अगर रिसेंटली की बात करें हम, तो आप सब जानते ही हैं जो युद्ध चल रहा है इसराइल और गाजा पट्टी पर, हमास का युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी पर, आप जानते ही हैं, और फिलिस्तीन वगैरह उनके सब साथ है जो भी है। तो उस युद्ध में भी इस वर्ड को लेकर, इस वर्ड की साइकोलॉजी को लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास भी कर रहा है और इसराइल में भी हो रहा है, दोनों जगह पर ही किया जा रहा है। तो वर्ड है हमारा गैसलाइटिंग। तो गैसलाइटिंग वर्ड क्या है, पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं। गैसलाइटिंग वर्ड वैसे तो एज ए नाउन है, अगर हम ग्रामर के हिसाब से बात करें तो ये एज ए नाउन हुआ। और इससे पहले, अभी जो वर्ड ये चल रहा है, इससे पहले 1944 में एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम ही गैसलाइट वर्ड था। तो गैसलाइट वर्ड क्या है, गैसलाइट वर्ड वैसे तो वर्ब और नाउन दोनों ही है, यानी कि एज ए वर्ब भी से यूज कर सकते हैं और एज ए नाउन भी से यूज कर सकते हैं गैसलाइट वर्ड को। और इसके अलावा जो वर्ड अभी मैं देने जा रहा हूँ, गैसलाइटिंग वर्ड। तो गैसलाइटिंग वर्ड क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वर्ड एज ए नाउन यूज किया जाएगा और इसका मतलब होता है किसी का मानसिक तौर पर उसका शोषण करना, या आप ये कह लीजिए किसी भी व्यक्ति का, उसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और उसे मिस मैनिपुलेट करना और उसके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, और प्लस उससे अपने हिसाब से काम निकलवाना आप भी कह सकते हो, और साथ में यानी कि किसी व्यक्ति को उस चीज़ का आभास करवा देना कि तुम ही गलत हो। इस वर्ड को एक तरह से और भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1944 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम गैसलाइट था। और गैसलाइट फिल्म में क्या स्टोरी थी, अगर मैं थोड़े से उसके बारे में बात करूं, हस्बैंड वाइफ, जो उसका हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को मैनिपुलेट करता है कि हर बात पर तुम ही गलत हो, और एक तरह से वो उसको पूरा विश्वास दिला देता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, और उसे भी लगने लग जाता है कि हाँ मैं इस बात पर बिल्कुल ही गलत हूँ। तो इस तरह से किसी को मैनिपुलेट करना, उसको हम गैसलाइटिंग कह सकते हैं, या गैसलाइट करना किसी व्यक्ति को। इसको और आसान शब्दों में समझा जाए तो यानी कि किसी व्यक्ति को उसकी गलतियों का पूरी तरह से एहसास करवा देना, और गलतियां अगर नहीं भी हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक भी है, फिर भी उसको ये विश्वास दिला देना कि वो व्यक्ति गलत है उस बात को लेकर, यानी कि उसी की सारी गलती है और वो भी मान ले कि मेरी गलती है, उसको गैसलाइट करना कह सकते हैं। और शायद हम में से भी कुछ लोग गैसलाइट हो सकते हैं या किए जा सकते हैं, और कुछ लोग शिकार भी हो सकते हैं इस चीज़ का कि दूसरे व्यक्ति हमें मैनिपुलेट करें। और इस बात पर खासकर सामाजिक में अगर हम बात करें, या सोशल मीडिया के बारे में बात करें, उसके अलावा धार्मिक स्तर पर भी, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियन, या मैं अगर हम धर्म कर्म के बारे में बात करें, तो कई लोग बिल्कुल धर्म कर्म पे इतना उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं कि बस पूरा धर्म में ही उनका माइंड मतलब बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति को अपने पूरी तरह से नियंत्रण में ले लेना, कंट्रोल में ले लेना, या फिर पूरी तरह से उसको मैनिपुलेट करना, उसे हम गैसलाइटिंग कहा जाएगा। और गैसलाइटिंग आजकल स्पोकन में ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप भी इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी गैसलाइट कर। तो आई थिंक वर्ड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यानी कि आप इसे सिंपल शब्दों में मनोवैज्ञानिक धोखा कह सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकली किसी व्यक्ति को चीट करना और उसका माइंड वॉश करना, और उसे उसकी बात गलत सिद्ध करते हुए अपनी बात ही उस पर थोपना, तो उसे गैस लाइटिंग कहा जाएगा।
तो इसी तरह के और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी नॉलेज भी इसके बारे में बढ़े और नए नए वर्ड सीखें और इन वर्डों का स्पोकन में जरूर इस्तेमाल करें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइज़।